आज की वीडियो में हम स्टेरिक इफेक्ट कवर करेंगे और थोड़ा बहुत कुछ सॉल्वेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेरिक इफेक्ट आपका क्या होता है समझिए। जैसे कि आपको पहले एग्जांपल दे रखा है, ये इसमें आपके पास नाइट्रोजन के पास दो ग्रुप अटैच्ड हैं, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दोनों ही सेम ग्रुप हैं, राइट। पर इन ग्रुप के होने की वजह से ये ग्रुप बहुत बल्की ग्रुप्स होते हैं, मींस उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ करती है एंड एसिडिक नेचर डिक्रीज़ करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इसमें? बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या होते हैं? बल्की ग्रुप्स होते हैं। इन बल्की ग्रुप्स के होने की वजह से इनमें आपस में रिपल्सिव फोर्स लगता है, या फिर हम कह सकते हैं स्टेरिक इफेक्ट लगता है। जब दो बल्की ग्रुप्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, जब जो कि हम नहीं चाहते कि वो इंटरैक्ट करें, उसको हम कहेंगे स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो अब इसको लाइन टू लाइन डेफिनेशन वाइज समझते हैं हम। स्टेरिक इफेक्ट, इट अफेक्ट्स द मॉलिकुलर रिएक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ड्यू टू द स्पेटियल कॉन्जेशन। दिस इफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम द स्पेटियल इंटरैक्शन बिटवीन द ग्रुप्स इज कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट। ओके, वही चीज़ जो मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन करी, ये जो आपका इफेक्ट होता है मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी पता करने में हेल्प करता है। मींस जिसमें स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ऑब्वियसली बात है कम होगी, क्योंकि इफेक्ट ज़्यादा तो वो अनस्टेबल टाइप होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो डिपेंड करती है किस पे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी पे। जिस ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, किस ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है ना। और ये उसके स्पेटियल कॉन्जेशन, मतलब कि किस तरह पोजीशन रखी जाएगी, उससे डिपेंड करता है। तो अब ये तो आपकी डेफिनेशन थी स्टेरिक इफेक्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड स्ट्रक्चर बनाया आपके लिए। तो ये पहला वाला ग्रुप में क्या दे रखा है, दोनों में ही देखिए एक चीज़ कॉमन है, नाइट्रोजन के पास इसमें भी दो ग्रुप अटैच्ड हैं, दैट इज मिथाइल ग्रुप। इसमें भी दो ग्रुप अटैच्ड हैं, मिथाइल ग्रुप, और इन दोनों में भी दो ग्रुप अटैच्ड हैं, ठीक है। बट इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफर क्या चीज़ कर रही है कि इधर जो है यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है, बट इधर जो है एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप और अटैच्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। अब हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या हमको बोल रखा है। देखिए, सेकेंड इज मोर बेसिक दैन फर्स्ट। पहले ही आपको बोल दिया कि सेकेंड वाला जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा देन द फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज इन दिस पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नॉट डीलोकलाइज्ड बट इज अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग विद द पी पॉजिटिव मीन्स द प्रोटॉन, विच मेक्स दिस प्रोटॉन मॉलिक्यूल मोर बेसिक देन n डाइमिथाइल एनायलिन। दिस टाइप ऑफ स्टेरिक इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें आपको क्या समझाने की कोशिश हो रही है कि मैंने आपको बताया था कि ये ग्रुप्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी जो है एसिडिटी जो उतनी ही कम रहेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पहला रीज़न तो ये। तो इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में मिथाइल ग्रुप देखिए हर एक केस में 3-3 है, तो यहाँ पर क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। अब अगर एसिडिक कैरेक्टर कम होगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये पहला रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न क्या है? हमें पता है कि जो एरोमेटिक रिंग्स होती हैं उन पर डीलोकलाइजेशन होता है, इसी की वजह से वो ज़्यादा एसिडिक बनती हैं, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है ये कि जो बेंजीन की रिंग्स होती हैं या फिर एनायलिन मान लीजिए, उन पर जो है डीलोकलाइजेशन होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करने की वजह से आपका जो एक स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है। वहीं दूसरे वाले में अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर जो है डीलोकलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा। किस वजह से? इस मिथाइल ग्रुप की वजह से। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस मिथाइल ग्रुप के पास चले जाएंगे, तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर क्या हो पाएगा? तो एसिडिक कैरेक्टर अपने आप ही कम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिस वजह से ये ज़्यादा बेसिक हुआ। तो ये रीज़न था कि सेकेंड वाला स्ट्रक्चर क्यों ज़्यादा बेसिक है देन द फर्स्ट वन। और इसको हम क्या कहते हैं? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मींस यहाँ पर रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा, इसीलिए स्टेरिक इनहिबिशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन स्टेरिक इफेक्ट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस। ये वाला तो स्टेरिक इनहिबिशन था, सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, मतलब कि दो ग्रुप्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से हिंड्रेंस क्रिएट होना। वेयर द प्रेजेंस ऑफ द बल्की ग्रुप मेक्स द अप्रोच ऑफ द रिएजेंट टू द रिएक्शन साइट डिफिकल्ट, सच रिएक्शंस कैन अकाउंट बाय द लोअर बेसिसिटी ऑफ 3-degree amines एज कम्पेयर टू द 2-degree amines। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बल्की ग्रुप होता है, मीन्स
यहाँ पर इस केस में हम देख लेते हैं, यहाँ ये बल्कि ग्रुप है। अब कोई रिएजेंट अगर एक्ट भी करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, कोई और रिएजेंट जो है वो एक्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों, किसकी वजह से? इस बल्कि ग्रुप की वजह से। इसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ऊपर वाला स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस था, ये स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका रिएजेंट होता है वो रिएक्शन साइट पे पहुँच ही नहीं पाता है। तो सबसे कम बेसिक कौन सा होता है? 3 डिग्री अमीन। तो ये 3 डिग्री अमीन पे सबसे कम होता है, और फिर 2 डिग्री अमीन पे। 3 डिग्री अमीन गिव मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इंटरफ्रेंस विद द सॉल्वेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो 3 डिग्री अमीन पे सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस होगी। व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? द रीज़न फॉर दिस इज सिंपल। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 3-methyl ग्रुप है, दिस साइट इज स्टिल पेंडिंग। यहाँ पर कोई और रिएजेंट एक्ट कर सकता है पर वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3-methyl ग्रुप्स हैं, मीन्स 3 बल्की ग्रुप्स हैं। तो जितने ज़्यादा बल्की ग्रुप्स होंगे उतना हिंड्रेंस क्रिएट होगा, और सबसे ज़्यादा बल्की ग्रुप्स किस में हो सकते हैं? 3 डिग्री में, ओके ना। इसीलिए 3 डिग्री जो होता है वो ज़्यादा हिंड्रेंस शो करता है। आगे मूव करते हैं हम सॉल्वेंट पे। ये तो आपको पता होगा सॉल्वेंट क्या होता है। एसिड बेस्ड रिएक्शंस में जो ज़्यादा आपका अमाउंट में होता है उसको आप कहेंगे सॉल्वेंट। द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट इन द एसिड बेस्ड रिएक्शन लीड्स टू द सॉल्वेशन ऑफ द आयनाइज्ड स्पीशीज विच आर कॉन्जुगेट एसिड एंड द कॉन्जुगेट बेस वेन वी आर डीलिंग विद द ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। तो ब्रोंस्टेड एसिड और बेस में जब हम डील करते हैं तो वो आपका सॉल्वेंट होता है जो कि आयनाइज्ड स्पीशीज को डिजॉल्व या फिर सॉल्वेशन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ सॉल्वेशन रेफर्स टू द इंटरेक्शन ऑफ द डिजॉल्व स्पीशीज एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेशन का क्या मतलब होता है कि जिसमें डिजॉल्व स्पीशी और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और वो अपना इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं, अपना क्लीवेज या केज क्रिएट करते हैं। लाइक आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सॉल्वेंट कॉन्जुगेट बेस, सॉल्वेंट कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पर बीच वाला क्या है आपका? ए नेगेटिव, और साइड में H2O लग रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है आपका, मतलब यहाँ पे बीच में एक बेस है और उस बेस पे फिर वाटर एक्ट कर रहा है। वाटर जो है आपका वो एम्फोटेरिक होता है, वो बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और एसिड की तरह भी कर सकता है। तो जब बेस है तो उसको एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर सॉल्वेंट कॉन्जुगेट बेस बन गया। यहाँ पर ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और वाटर बेस की तरह, तो ये सॉल्वेंट कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ठीक है ना। नाउ सॉल्वेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे डीलोकलाइजेशन जो है चार्ज का या स्टेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, ओके। सॉल्वेशन अगर इंक्रीज होगा तो डीलोकलाइजेशन इंक्रीज और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज। आयनाइजेशन एंड द एसिडिटी इंक्रीजेस ऑफ द सब्सटेंस, तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी इंक्रीज होगा। ये कुछ टर्म्स हैं, आप इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको काम आएंगी। आपको इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक आपको बहुत सारे सब्सटेंस या स्ट्रक्चर्स दे दिए, आपको उसमें पूछा जाए कि किसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा है, तो जिसकी एसिडिटी या आयनाइजेशन ज़्यादा होगी उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी ज़्यादा होगा। तो आपको इस तरीके से पहचानना होगा। परसेंटेज ऑफ वाटर इन दी सॉल्वेंट सिस्टम इंक्रीजेस विद द पी के ए वैल्यू ऑफ द एसिड इंक्रीजेस, एंड एट द सेम टाइम अगर पी के ए वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो के ए वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है ना, क्योंकि पी के ए और के ए वैल्यू जो है आपस में इनवर्स रिलेशन शो करते हैं, ओके तो ये अपोजिट में रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज टोंटोमेरिस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।